जैसा कि हमने आपको ओरिएंटेशन क्लास में हमने आपसे कहा था कि ट्यूसडे से हम आपका प्रैक्टिकल का क्लास लेंगे, तो उस प्रैक्टिकल के क्लास में जो हम सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 4 से हम शुरू करेंगे और वो है यंत्रों का कर्षण बल। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्ट ऑफ इंप्लीमेंट, उससे हम शुरू करेंगे। पहले तो हम ये जान लें कि ड्राफ्ट ऑफ इंप्लीमेंट होता क्या है, कर्षण बल, यंत्रों का कर्षण बल क्या होता है। हम सब जानते हैं कि जब कभी भी हम खेती करते हैं तो खेती करते वक्त जब हमको खेत के अंदर जुताई करनी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है, तो हमें बैलों की आवश्यकता होती है। क्या कारण है हमें बैलों की आवश्यकता होती है? उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हम और आप उस हल को मिट्टी के अंदर खींच नहीं सकते, और जब हमको उसको खींचते हैं तो मिट्टी अपना रेजिस्टेंस दिखाती है, अपनी प्रतिरोधक क्षमता दिखाती है, और हमको उसको खींचने के लिए ज्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ती है, और हम उसके साथ बैलों को लगाते हैं और अपनी प्लॉइंग करते हैं, क्योंकि बैलों के अंदर हमसे ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा आवश्यकता है। मिट्टी अगर रेतीली है तो उसमें कम है ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपकी मिट्टी मटियार है या क्ले सॉयल है उसमें ज्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ती है। तो कई एक जगहों पर हल्के बैलों से भी काम हो जाता है, लेकिन अगर कहीं भारी हल चलाना पड़ा जो कि आपके क्ले सॉयल में लगाए जाते हैं तो वहां भारी बैलों का आवश्यकता पड़ती है। अब तो आजकल ज्यादा बड़े एरिया में होता है तो हम ट्रैक्टर से करते हैं, क्योंकि अब हलों का काम नहीं, ट्रैक्टर ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो मिट्टी के अंदर हलों को चलाते समय जो भी बल प्रयोग होता है उसे हम खिंचाव कहते हैं या ड्राफ्ट कहते हैं। वॉट एवर पुल इज नीडेड, वॉट एवर पावर Whatever power is needed to pull a plow against soil resistance is known as draft. जो भी बल हलों को खींचने के लिए मिट्टी की प्रतिरोधक क्षमता के अगेंस्ट इस्तेमाल होता है उसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। ये एक सीधा सा तरीका है कि खिंचाव को नापना है, और यह हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है कि हमारी मिट्टी कितनी कड़ी है, कितनी मुलायम है, किस तरह का मिट्टी का कंडीशन है, किस तरीके के हमको इक्विपमेंट को यूज करना है। यह सब चीजें बेसिक चीजें हैं जिनको कि हमको आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे जब हम आपको प्लाव का चैप्टर पढ़ाएंगे और अदर इम्प्लीमेंट के बारे में बताएंगे तब हम आपको वहां पर हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि कैसे क्या करते हैं। और इसको जब हम करते हैं तो वहां पर हम एक स्पेशल इक्विपमेंट एक का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम डायनमोमीटर कहते हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस के बेसिस के ऊपर कार्य करता है, और जब कभी भी खिंचाव होता है तो इसके अंदर एक मीटर की तरीके से एक डायल होता है और उसके ऊपर सुई चलती है और उस सुई से उस खिंचाव के बारे में पता चल जाता है। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग को याद रखना होगा कि इस तरह का बेटा आप लोग ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में थ्योरी में आते हैं, थ्योरी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसके कि एक क्वेश्चन होगा और उसके आपको चार आंसर दे दिए जाएंगे कि खिंचाव किस यंत्र से नापा जाता है।
तो उसमें आपको बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, आपका डायनोमोमीटर और को फलाना मीटर करके कोई एक चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही चुनना होगा, तो आप डायनोमोमीटर पे टिक लगा देंगे। ये क्वेश्चन कई एक बार आ चुका है आपके इम्तिहान में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि इसके जो न्यूमेरिकल हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके हर साल एग्जाम, थ्योरी एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं। इसको बड़े इत्मीनान के साथ, अपनी बुद्धि खोल करके इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो भी न्यूमेरिकल है, ये इसका एक न्यूमेरिकल हर साल आपके थ्योरी के पेपर में जरूर आता है, और ये वो करीब 8 नंबर का होता है, 6 नंबर का होगा या 8 नंबर का होगा। अगर 8 नंबर का होगा तो एक छोटा सा आपका रिटर्न आपको देना पड़ेगा 1 या 2 नंबर का, और बाकी के 6 नंबर का सवाल हो, 6 नंबर तो आपका पक्का है। और आपको जो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं आपको बताता चलूंगा किसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं लगातार, इसमें से जरूर आएगा। तो आप इसको बड़े केयरफुली, बहुत इत्मीनान से आप इसको समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि हम कैसे आपको इसमें लेकर के आगे बढ़ें। आप सीखिए, और इस चैप्टर के अंत में जो कि आपका क्वेश्चन, आप ये किताब ले लीजिए, और इस चैप्टर के अंत में ढेरों न्यूमेरिकल दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उनको भी प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं कोई समस्या आती है, आप मुझसे बात करिए और मुझे बताइए कहाँ किस न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, मैं उसको आपका सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब हम आपका आ गए, आपको यह पता चल गया कि ड्राफ्ट क्या है। अब दूसरी चीज ये आई कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ड्राफ्ट को इफेक्ट करते हैं, यानी कि हलों के खिंचाव पर प्रभाव डालने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्राफ्ट ऑफ प्लाव। इसमें से कई एक है, इसको पॉइंट वाइज हम आपको बताते चलते हैं, जिसमें से पहला है कूड़ की चौड़ाई जबकि गहराई समान रहे, यानी विथ ऑफ फरो वाइल डेप्थ रिमेन द सेम। जैसे जैसे डेप्थ हम कूने अपनी कूण, कूण कहते हैं हल के द्वारा बनाई गई वो नाली, हल के द्वारा जब जुताई होती है, आपने जुताई देखी होगी, जुताई के खेत के अंदर कभी गए हैं, अगर आप खेत के अंदर जाकर के देखें तो जिस वक्त हल चलता है तो हल आगे आगे चलता है, पीछे नाली बनती है, पीछे पीछे नाली बनती है, वो जो नाली बनती है उसको हम कूड़ कहते हैं या फरो कहते हैं। और जब देशी हल चलता है तो वी शेप में फरो बनती है, और जब मोल बोर्ड प्लाव चलता है तो एल शेप में फरो बनती है। ये सब चीजें आपको हम आगे बताएंगे, बस हम आपको ये बता दें कि हल के पीछे चलने वाली, हल के पीछे बनाई गई नाली को हम फरो कहते हैं। अब हम उस फरो की डेप्थ को हम सेम रखें और उसकी चौड़ाई हम बढ़ा दें, जब हमारा सरफेस एरिया बढ़ा तो ड्राफ्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने चौड़ाई बढ़ा दी, गहराई को सेम रखते हुए चौड़ाई बढ़ा दी, सरफेस एरिया हमने ज्यादा कर दिया, तो उसमें ड्राफ्ट हमारा बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया हमारा नॉर्मल रखें तो ड्राफ्ट हमारा घट जाएगा। दूसरा है आपका कूड़ की गहराई जबकि चौड़ाई सेम रहे, यानी कि डेप्थ ऑफ फरो वाइल विथ रिमेन द सेम। अगर हम अब डेप्थ बढ़ा दें और चौड़ाई सेम रहने दें, फिर सरफेस एरिया बढ़ गया, क्योंकि अब ज्यादा गहरे चले गए हम, गहराई हमने बढ़ा दी, चौड़ाई वही रखी, तो भी सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ड्राफ्ट बढ़ जाएगा। फिर तीसरा है फार की नोक का पैना होना, शार्पनेस ऑफ शेयर। एक सीधी सी बात बता दो, ये तो बड़े आसान सी चीज है, शेयर कहते हैं उस हल के उस भाग को जो जिसका एक भाग, जिसको कि हम पॉइंट ऑफ शेयर कहते हैं, वो मट्टी को चीरता है। पॉइंट ऑफ शेयर मट्टी को चीरता है। शेयर के 3 भाग होते हैं, वो सब हम आपको आगे बताएंगे।
जब हम आपको पुलाव के बारे में बताएंगे। तो अभी आप शेर जान लीजिए, शेर हल का वो भाग है जो मट्टी को चीरता है। अगर वो पैना नहीं है तो मट्टी को मुश्किल से काटेगा और ड्राफ्ट बढ़ जाएगा। आप सीधी सी बात ले लीजिए, एक छुरी है आपके हाथ में और उसकी धार पैनी नहीं है, आपको फल और सब्जी काटने में दिक्कत होगी, इवन काटने के आप छील नहीं पाएंगे ठीक तरीके से। और वहीं अगर शार्प है, पैनी है, तो बड़ी इजली आप किसी भी सब्जी को छील सकते हैं और काट सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ सब्जी की बात की और जमीन को काटने की बात मैं कर रहा हूं। और अगर आपकी शेयर शार्प है तो उसमें ड्राफ्ट कम लगेगा, और अगर शार्प नहीं है तो उसमें ड्राफ्ट बढ़ जाएगा। अब आगे का हम इसी तरीके से आपको आगे बताएंगे, आगे के पॉइंट के साथ लेकर के चलेंगे। और वो है मॉइस्चर ऑफ सॉइल, मृदा में नमी में लेकर के आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इसको, कैसे ये फैक्टर्स अब आगे के जो हैं वो इफेक्ट डालते हैं आपके ड्राफ्ट ऑफ द प्लाव पर।